हेलो रिवर, सबका स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम नोएडा के अंदर हैं, अगर हमें जॉब नहीं मिल पा रही है तो हम क्या करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक नई जॉब के बारे में बताने वाला हूँ जो कि नोएडा का होने वाला है। दोस्तों, आपको पता है कि मैं आपके लिए तरह तरह की नौकरी वाले वीडियो बनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि नोएडा में जॉब कहाँ पे है। आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ दोस्तों, लेकिन आप हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट करो यार, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नोएडा में जॉब कहां पे है और जॉब कैसे मिलेगी। दोस्तों, जैसे ही मुझे पता चल जाती है कि नोएडा में किस सेक्टर में या किस टाइप का जॉब है, मैं तुरंत उस पर वीडियो बना देता हूं और आप लोग को बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे कोई भी ऐसे भाई जो नोएडा में आ चुके हैं किसी अलग सिटी से और वो बेरोजगार रहे। दोस्तों, मैं उनके लिए वीडियो तुरंत बना देता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोएडा सेक्टर 81 की, जो कि डाटा ऑपरेटर की जॉब है। अभी वैकेंसी निकली है, मैं आपको बता दूं, आप चाहेंगे आपकी डेफिनेटली जॉब लग जाएगी। इसमें 12th पास मांग रहा है ना, अगर 12th पास है आप तो आप डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। ये NSTZ सेक्टर 81 का ये लोकेशन है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ओनली फॉर मेल, फीमेल की जरूरत नहीं, लड़कियों की भर्ती नहीं ले रहा, लड़कों की ले रहा। कंपनी का नाम है विद्या मंत्रा ईडू सिस्टम्स, है ना, कंपनी का नाम है। तो बात करते हैं, 0 से 2 इयर्स एक्सपीरियंस मांग रहा है। 2 इयर्स, 0 से मतलब 0 है जब भी चलेगा और 0 से 2 इयर्स के एक्सपीरियंस है जब भी आपका चलेगा। 10 वैकेंसीज है ना, 10 वैकेंसीज है। एक दिन पहले भी पोस्ट हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अप्लाई करें। अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप कॉल पे बात करके उसके बाद रिज्यूम सेंड करना चाहते हो तब भी नंबर आपको वीडियो के स्क्रीन पे मिल जाएगा, और अगर नोएडा में हो तो डायरेक्ट फेस टू फेस जाके इंटरव्यू दे सकते हो। लोकेशन मैं आपको वीडियो की स्क्रीन पे लगा दूंगा, नहीं तो मैं मॉकी में आपको बता दूंगा। लोकेशन होने वाला नोएडा सेक्टर 81 का, जो कि NSTZ है ना। नोएडा सेक्टर 80 कैसे पहुंचने के बाद आप पूछेंगे किसी ऑटो वाले से कि मुझे नोएडा सेक्टर 81 या NSTZ जाना है, तो वो आपको बता देगा। इसमें डाटा ऑपरेटर की जरूरत है, टाइपिंग आपकी अच्छी हो, है ना, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, बात करने का तरीका आपके पास हो, कंप्यूटर की नॉलेज हो अच्छी खासी, और एजुकेशन जो ले रहा है क्वालिफिकेशन, वो 12th पास ले रहा है ना। और यहाँ पे नंबर मेंशन नहीं है, मैं देखता हूँ। एड्रेस की हम बात करें तो SDF 08 नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब वही आ गया, NSTZ, ठीक है। NSTZ में ब्लॉक ए सेक्टर 81, ब्लॉक ए में सेक्टर 81 नंबर, ठीक है, सेक्टर 81 में ब्लॉक ए है, ठीक है। और SDF नंबर, SDF है D08। तो नंबर में देखता हूँ, नंबर यहाँ पे मेंशन है नहीं है, नंबर तो दोस्तों मेंशन नहीं है। बस आपको NSTZ के अंदर घुस जाना है, एक बड़ा सा गेट लग रहता है, उसके अंदर जब आप जाएंगे ना बहुत सारी कंपनियां आपको मिलेंगी, सैकड़ों कंपनियां, हजारों कंपनियां आपको मिलेंगी, तरह तरह की कंपनियां वहां पे आपको मिलेंगी। जब आप जाएंगे ए ब्लॉक में आपको जाना है, ठीक है, ए ब्लॉक में जाना है, बस आपको इतना ध्यान रखना। और कंपनी का नाम है विद्या मंत्रा ईडू सिस्टम। किसी से भी पूछेंगे, गार्ड से पूछेंगे ना, जो गेट पे गार्ड बैठता है उससे पूछेंगे, जो वो भी बता देगा, क्योंकि जो गार्ड एंट्री करोगे ना तो वहाँ पे बहुत बड़ा सा गेट लगा, वहाँ पे 2-3 गार्ड रहे हैं, आपको अंदर जाने भी नहीं दिया जाएगा। जब आप बताएंगे हमारी इंटरव्यू, हमारी जो कि मीटिंग होने वाली है इस कंपनी में, तो प्लीज आप बता दें, तो आपको एड्रेस बता देंगे, तो आप चले जाना वहाँ पे। जब आप जाओगे तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा, डेफिनेटली जॉब लग जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सैलरी की बात करें तो 15-20 हज़ार रुपये सैलरी आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ, रखिएगा अपना ख्याल, नई वीडियो के तकलीफ होगा।